नशा तस्करों पर कुरुक्षेत्र पुलिस की दबिश और बड़ी कार्रवाई उस समय दिखी जब जीटी रोड पर एक ढाबे पर रेड कर लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का 10 क्विंटल चूरा पोस्त व 34 किलो गांजे का जखीरा बरामद किया गया, जिसकी पड़ताल करने व कार्रवाई देखने खुद कुरुक्षेत्र के पुलिस अध्यक्ष राजेश दुग्गल पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिस अध्यक्ष राजेश दुग्गल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की तो उन्हें 10 क्विंटल 34 किलो चूरा पोस्त 34 किलो गांजा मिला, जो कि इस वर्ष की जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आजाद टीवी न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से हरजीत सिंह की रिपोर्ट। उन्होंने उनकी टीम ने ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर रेड की है। आप देख रहे हैं कि भी बहुत भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। ये जो ढाबा आप देख रहे हैं आगे, ये रोशन लाल सैनी है और गांव दंतोड़ी के रहने वाले हैं, और इनके दो साथी ये फिरोज खान और संदीप, जो इसके दोनों नौकर हैं, और ये मिलकर सारा ये हमारा नारकोटिक्स का ही काम करते थे, एनडीपीएस का, जिसमें 10 क्विंटल 34 किलोग्राम चूरा पोस्ट डोडा रिकवर हुआ है और 34 किलोग्राम हमारा गांजा जो बोलते हैं वो रिकवर हुआ है। तो ये बहुत भारी मात्रा में रिकवरी हुई है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस साल की सबसे हैवी रिकवरी यही है, और इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये रोशनलाल जो है पहले भी एनडीपीएस के 3 केसेज इसके ऊपर दर्ज हैं, जो अभी जून में जो फिरोज खान इसका नौकर है उससे भी रिकवरी हुई थी,